हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण विभाग पूर्व सैनिकों कोटे के तहत मिले पदों के लिए साक्षात्कार ले रहा है। पूर्व सैनिकों के लगभग 7 विभिन्न सरकारी विभागों में पद भरने की प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू हो गई। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिला से पूर्व सैनिक इंटरव्यू में भाग लेने के लिए पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय के रोजगार सेल में पहुँचे। यहाँ इनके प्रमाण पत्रों की जाँच की गयी। प्रमाण पत्रों की जांच करने के बाद योग्यता के अनुरूप पूर्व सैनिकों को विभिन्न विभागों में पदों पर तैनाती की जाएगी। शुक्रवार को इंटरव्यू के लिए पहुंचे पूर्व सैनिकों ने प्लांट ऑपरेटर, जूनियर ऑडिटर, जूनियर ड्राफ्टमैन, जूनियर टेक्निकल फिटर, लेजर कीपर, पेट्रोल पंप अटेंडेंट तथा पंप ऑपरेटर के पदों के लिए साक्षात्कार में भाग लिया। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार ठाकुर, सब रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, एक्सटेंशन सेल हमीरपुर। आज निम्नलिखित पोस्टों के लिए इंटरव्यू किए जा रहे हैं। निम्नलिखित पोस्टें इस प्रकार से हैं: प्लांट ऑपरेटर, जूनियर ऑडिटर, जूनियर ड्राफ्टमैन, जूनियर टेक्निकल फिटर, लेजर कीपर, पेट्रोल पंप अटेंडेंट, पंप ऑपरेटर के इंटरव्यू किए जा रहे हैं। इसमें आज पोस्टों के लिए इसमें 30 पोस्टें भरी जानी हैं और इसमें आज 45 एक्स सर्विसमैन निम्नलिखित इस पोस्टों के लिए साक्षात्कार देने के लिए आए हैं। बस इनके इनके साक्षात्कार होने के बाद इनको हम पेपरों की छानबीन करेंगे और जो भी उचित सुटेबल कैंडिडेट पाए जाएंगे उनका पैनल बनाया जाएगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।